कमलानगर स्थित साई ट्रॉमा हॉस्पिटल में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा कर दिया। आरोप लगाया गया है कि एक्सीडेंट में घायल होने पर युवक को अस्पताल में एडमिट कराया था। शराब के नशे में मौत के बाद भी चिकित्सक जिंदा होने का नाटक करते रहे। हंगामे पर पुलिस पहुंच गई। एक्सीडेंट में घायल होने पर युवक को कमलानगर स्थित साई ट्रॉमा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, लेकिन रविवार को उसकी सांसें थम गईं। औरैया के रहने वाले सतेंद्र का 30 अक्टूबर को औरैया में एक्सीडेंट हुआ था। हादसे के बाद से ही हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, लेकिन हालत गंभीर होने पर 4 नवंबर को कमलानगर स्थित साई ट्रॉमा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। हॉस्पिटल के डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला। इस पर परिजन तैयार हो गए। ऑपरेशन से पहले डॉक्टरों ने 50,000 रुपये जमा करा लिए। मेरा भाई है सतेंद्र सिंह, उसका एक्सीडेंट हो गया था 3 तारीख को औरैया में। उसको यहाँ पे लाके एडमिट कराया 4 तारीख को। कहाँ पर? यहाँ पे ओम साई ट्रॉमा सेंटर सुल्तानगंज की गुड़िया पे। तो यहाँ पे डॉक्टर साहब को दिखाया, डॉक्टर साहब बोले ऑपरेशन होगा। तो पहले ऑपरेशन से पहले कुछ बोल रहा था, डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन किया, मुझे बुलाया था, मैं अंदर गया। डॉक्टर साहब पूरे धुत पी के थे, करके ऑपरेशन किया उन्होंने। कमलानगर में साई ट्रॉमा हॉस्पिटल में डॉक्टर ने ऑपरेशन किया। परिजनों का आरोप है कि ऑपरेशन के दौरान मरीज की मौत हो गई, लेकिन चिकित्सकों ने आंखों पर पट्टी बांध दी। मौत के बाद भी जिंदा बताकर तीमारदारों को गुमराह किया गया। बाद में डॉक्टर पंकज गुप्ता ने बताया कि मरीज की मौत हो चुकी है। आरोप लगाया गया है कि डॉक्टर ने शराब के नशे में ऑपरेशन किया था, लापरवाही के चलते उसकी मौत हुई है। युवक की मौत से आक्रोशित तीमारदारों ने हॉस्पिटल पर हंगामा कर दिया। हंगामे की सूचना पर कमलानगर थाने की पुलिस पहुंच गई। शराबी के ऑपरेशन हुआ था, इसलिए ऑपरेशन के दौरान खत्म हो गए। जब चेक किया गया सुबह तो मशीनें डेड बॉडी पर भी मशीनें वो बुरा खराब काम कर रही थी, जैसे इंसान जिंदा है। जो मेरे बताने पर पंकज गुप्ता है, उनको बुलाया गया। पंकज गुप्ता ने बोला कि ये तो कल ही खत्म हो गई। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिवार के लोग मुकदमा लिखाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद कार्यवाही के लिए कहा। परिजनों के लगाए गए आरोपों की भी पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। सी न्यूज़ के लिए उमेश शर्मा की रिपोर्ट।